दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा एयर ड्रायर किस प्रकार से काम करता है। इसमें एक प्रकार की गैस होती है जिसे हम रेफ्रिजरेंट गैस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने घरों में देखा होगा फ्रिज, उसी तरह इसमें भी एक कंप्रेसर लगा होता है। जैसे हमारा फ्रिज में नीचे एक कंप्रेसर लगा होता है, वो कैपेसिटी वाइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक कंप्रेसर ज़रूर मिलता है। जहाँ भी आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा वहाँ कंप्रेसर आपको ज़रूर मिलेगा। और ये एसी में और फ्रिज में भी इसी प्रकार से काम करता है। ये कूलिंग सिस्टम जितने भी होते हैं उनका सेम ही प्रोसेस होता है। हमने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है, उम्मीद आपको समझ में आएगा, और इसके बाद हम आपको साइट पर भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्रेसर है, इसमें एक तो सक्शन करने का होता है और एक डिस्चार्ज का होता है। तो समझ लो यहाँ से ये सक्शन कर रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा है। तो कंप्रेसर ने हमारा गैस को कंप्रेस किया और यहाँ से डिस्चार्ज किया, और उसके बाद ये चली जाती है हमारे कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, ये ऐसे घूम घूम के ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है। इसके पीछे एक फ़ैन भी लगा होता है, आपने देखा होगा। तो कंडेंसर से आगे चल के ये लिक्विड फॉर्म में बन जाती है, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में हो सकता है गैस हो, तो काफ़ी कंपनियां इसमें लिक्विड रिसीवर लगा देती है। लिक्विड रिसीवर में क्या होता है, यहाँ से जब गैस आती है तो वो अगर कुछ गैस हुई तो ऊपर रह जाती है। ये जो हमारा बाहर जाने का है ये लिक्विड में डूबा रहता है ताकि लिक्विड ही आगे जाए, लेकिन ये हर कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा ड्रायर फिल्टर होता है। ड्रायर फिल्टर में क्या होता है, सिलिकॉन की गोलियां होती है। वो गोलियां क्या करती है, हमारा अगर उसमें नमी है थोड़ा बहुत गैस में तो उसको सोख लेती है। सिलिकॉन की गोलियां आपने देखी होंगी, आपका कोई नया डिवाइस आता है उसमें भी एक छोटा पाउच मिलता है, तो उसमें सिलिकॉन ही होता है। सिलिकॉन हमारी नमी को सोखता है, तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिलिकॉन की गोलियां होती है। इससे आगे चलते हैं तो हमारा एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। एक्सपेंशन वाल्व से क्या होता है, ये नैरो हमारी जो रेफ्रिजरेंट गैस है ये बिल्कुल नैरो से होकर गुजरती है। उससे क्या होता है, वो ज़्यादा और ठंडी कूल हो जाती है, क्योंकि जब वो फैल के निकलती है तो ज़्यादा कूलिंग उसमें हो जाती है। इसके जगह आपको कैपिलरी ट्यूब भी मिल सकती है और उसका भी वही वर्क होता है, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादा एफिशिएंस होती है। और एक्सपेंशन वाल्व लेकिन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है इसकी जगह आपको कैपिलरी ट्यूब भी मिल जाए, कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है। उसके बाद जो है ये हमारी ठंडी गैस जो है आगे चलती है और ये पहुंचती है इवेपरेटर में। इवेपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है। जो हमारी एयर आ रही है, हमारा कंप्रेस्ड जो एयर आ रही है वो इससे टकराती है, यहाँ जाली नुमा होती है अंदर भी, तो यहाँ पे टकरा के जब निकलती है तो कूल हो जाती है। कूल होने से क्या होगा, उसका जो उसमें जो नमी है वो पानी में बदल जाएगा और वो पानी नीचे आ जाएगा, नीचे कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे लगा होता है ड्रेन वाल्व, ऑटो ड्रेन वाल्व, आपने देखा होगा कि वो थोड़ी थोड़ी देर में जो है जहाँ जितना हम उसमें टाइमिंग बताते हैं 2-3 मिनट जितना भी, उतनी देर में वो जो है पानी को ड्रेन करता रहता है, वो ऑटो ड्रेन वाल्व होता है। ठीक है, तो अपने आप पानी को ड्रेन करता रहता है। इससे आगे हम देखते हैं, ये तो इसका हो गया। और एयर हमारा जो है ठंडा भी हो जाता है और उसमें जो नमी थी वो भी निकल जाती है, तो हमारा एयर ड्राई हो जाता है। उससे आगे देखिए, हमारा जो गैस यहाँ से चला था तो वो एयर का जो है हीट उसने ले लिया और अब वो गैस जो है गर्म हो गया है, जबकि एयर हमारा ठंडा हो गया।
तो यहाँ से हमारा ये बाहर निकलता है हमारा गैस, और अब ये गर्म हो चुका है और ये पहुँचता है यहाँ पे लिक्विड सेपरेटर में। तो लिक्विड सेपरेटर में क्या होता है, लिक्विड यहाँ पे रह जाता है और गैस गैस आगे जाती है, क्योंकि हमारा लिक्विड अगर कंप्रेसर में जाएगा तो ख़राब हो सकता है। इसलिए इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो है लिक्विड अगर बचा भी है तो लिक्विड गैस नीचे रह जाएगी और हमारा जो बिल्कुल गैस फॉर्म में है वो आगे जाएगी। तो वहाँ पे फिर ये कंप्रेसर में चली जाती है और फिर से वही प्रक्रिया होती है, ये ठंडा होती है, आगे फिर जाती है ड्रायर में, फिर एक्सपेंशन वाल्व में, फिर यहाँ पे फिर हॉट हो जाती है, फिर जाती है फिर वापस। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। तो इसमें आपको कई चीज़ें और भी देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, लो प्रेशर स्विच हमारा जो है जब गैस का प्रेशर लो हो जाता है तो हमारा उसका कंप्रेसर का इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। और हाई प्रेशर स्विच भी यही काम करता है, जब गैस का प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये जो स्विच है ये प्रेशर के हिसाब से चलते हैं, ये आपको साइड पे दिखाएंगे कैसे होते हैं। और ये प्रेशर गैस ही होती है, लो प्रेशर गैस भी मिलेगी आपको, हाई प्रेशर गैस भी मिलेगी, या कई कई कंपनियां एक भी लगा देती है। आगे आपको ऑटो ड्रेन वाल्व, ऑटो ड्रेन वाल्व तो आपको बता दिया, यहाँ पे ऑटो ड्रेन वाल्व लगा होता है जो कि पानी को निकालता है। तो इसमें और तो क्या मिलेगा, और ऑन ऑफ स्विच मिलेंगे, पुश बटन, यही होता है सब। तो चलिए अब साइड पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है और कंप्रेसर से देखिए सीधा हमारा कंडेंसर में जा रहा है। यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन ये सीधा कंडेंसर में जा रहा है, इसमें देखिए बीच में सेपरेटर नहीं लगा है, ये सीधा कंडेंसर में जा रहा है और कंडेंसर से कूल होके फिर नीचे से देखिए यहाँ से नीचे से बाहर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से आगे ऊपर जाता है उन पर, ये यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगा हुआ, कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से ये अंदर इसमें इवेपोरेटर है और ये यहाँ पे हीट एक्सचेंज होके जो है गर्म हवा, सॉरी गर्म गैस यहाँ से वापस आती है। और ये देखिए यहाँ पे आके और ये यहाँ आ जाती है, बिल्कुल छोटा सिस्टम। ये जो है ये लिक्विड रिसीवर है या लिक्विड सेपरेटर कह सकते हैं, ये दिया हुआ है और इसके बाद ये फिर से कंप्रेसर में चली जाती है, बिल्कुल छोटा साइकिल है। और इसके पीछे हमारे कंडेंसर के पीछे ये देखिए फैन लगा हुआ है कूलिंग करने के लिए। तो हर कंपनी का बनाने का तरीका अलग होता है। और यहाँ पे जो वाटर है वो बाहर निकलता है, तो ये ऑटो ड्रेन वाटर वाल्व है। ठीक है, तो इसमें ये सप्लाई है इसका, जिससे कि इसका प्लंजर जो है हट जाता है और ये जो है पानी बाहर निकल जाता है। इसका अभी जो ये पाइप है ये लीक है, इसको ठीक करना है।
और यहाँ पे देखिए ये इसकी सेटिंग दी हुई है, आप देख पाएंगे यहाँ पे दो नॉब दी हुई है। तो ये तो मिनट की है कि कितने मिनट बाद हमारा वाटर ड्रेन हो, तो इसको हम पेचकश से सेट कर सकते हैं ऐसे घुमा के। और ये जो है ये सेकंड का है कि कितने सेकंड तक ड्रेन होता रहे, ठीक है। तो इसकी सेटिंग बहुत आसान है। यहाँ पे ये देखिए ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच है, और इनका जो है प्रेशर ये जो है ये एक तो लो प्रेशर का है और एक हाई प्रेशर का, और ये हमारे कम प्रेशर के सक्शन लाइन पे और एक जो है आउटर लाइन पे लगा होता है। और ये जब हमारा प्रेशर हाई होता है तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है। ये स्विच ही है एक प्रकार का जो प्रेशर से चलता है, ये ऐसा स्विच हमारा जो प्रेशर से चलता है। प्रेशर से क्या होता है, जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो हमारा दबाव पड़ेगा और वो हमारा एनओ एनसी बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लो प्रेशर में दिया हुआ है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो है हमारा वायरिंग है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो है कंप्रेस गैस के लिए हमारा गैस दिया हुआ है, और ये हमारा जो है लो प्रेशर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ये स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन दिए हुए हैं। तो इसमें इतना ही होता है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।